दोस्तों, कोई अगर आपको ऐसा ट्रिक दे दे जिससे आप ग्रैंड लीग में हमेशा नंबर वन रैंक पर रहो तो कैसा रहेगा? गाइज, आजकल हर आदमी यही सर्च कर रहा है कि ग्रैंड लीग में नंबर वन रैंक कैसे लाया जाए, और इस चक्कर में आपको बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बेवकूफ भी बनाते हैं कि ये ट्रिक ले लो तो इससे नंबर वन रैंक पे लाओ रहोगे, ये कर लो तो नंबर वन रैंक रहोगे। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में ना, जो 6 कॉम्बिनेशन मैं आपको देने वाला हूँ, अगर आपने उसको अप्लाई किया तो ये मैं अश्योरिटी देता हूँ कि आप डेफिनेटली 4 टीम में नंबर वन रैंक पे रहोगे ही रहोगे, या फिर आप बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट में रहोगे ही रहोगे। कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं है जो आपको ट्रिक बताए और आप उसको अप्लाई करके 10 का 10 टीम है ना वो विन कर पाए, ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं है। अब चूंकि मैं आपको जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ ना, अपने 3 साल का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, वो चीज़ बताऊंगा आपको कि जिसको अगर आपने अप्लाई किया ना, क्योंकि गाइस देखो, मुझे ना पता है कि आप क्या सोचते हो, क्योंकि एज अ यूजर मैंने ड्रीम इलेवन को 3 साल तक यूज किया है, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आप सोचते क्या हो। सभी लोग यही सोचते हैं कि कैसे भी करके लॉस रिकवर हो जाए और हम प्रॉफिट जोन में आ जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको वही सारी चीज बताऊंगा, ये नहीं कि आपको बना बनाया कुछ भी ऐसा दे दिया कि चलो भाई ये करो और विन कर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको एक्चुअल चीज बताऊंगा, बेस लाइन क्या होता है वो सारी चीज आपको बताऊंगा, और अगर उसको आपने अप्लाई किया ना तो डेफिनेटली आप 6 में से 4 टीम तो जरूर ही जीतोगे। बहुत सारे लोग ग्रैंड लीग जिताने के लिए 20-20 टीम लगाने को कहते हैं, लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में सिर्फ 6 टीम लगाने को कहूंगा, और उसी 6 टीम पर अपना सारा एफर्ट आपको लगाना है, सारा स्किल उसी 6 टीम पे लगाना है, और उसके बाद उस टीम को क्रिएट करना है। फिर आप देखो उस 6 में से आप 4 डेफिनेटली उसको विन करोगे, और श्योर है कि आप 6 का 6 उसमें से विन कर पाओ। तो दोस्तों, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं ये बताते हुए आप लोगों को, अपने 3 साल का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए। तो इस वीडियो का लाइक मैं रखता हूं। तो बिना किसी देरी के चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, T20 फॉर्मेट में, खास करके IPL में T20 फॉर्मेट में पिच रिपोर्ट बहुत मायने रखता है। आपको पिच रिपोर्ट देखना है कि पिच का बिहेवियर क्या है, पिच जो है वो बॉलिंग फ्रेंडली है या बैटिंग फ्रेंडली है, सबसे पहले आपको इसका ध्यान देना है और इसका एनालिसिस आपको करना है कि पिच बॉलिंग फ्रेंडली है या बैटिंग फ्रेंडली है। पिच अगर बैटिंग फ्रेंडली है तो आप दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर बैट्समैन को अपनी टीम में जरूर रखिएगा। इसमें फिर रिपीट कर रहा हूं, पिच अगर बैटिंग फ्रेंडली है तो दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को अपनी टीम में रखे, और पिच अगर बॉलिंग फ्रेंडली है तो आपकी टीम में जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगा उसमें से आपको ओपनर प्लस डेथ ओवर वाला बॉलर जो है वो जरूर रखना है। गाइस, अब डेथ ओवर वाला बॉलर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। गाइस, डेथ ओवर बॉलर वो होता है जो कि लास्ट में बॉलिंग जिसको दिया जाता है, जैसे कि ब्रावो या फिर बुमराह, ये सारे बॉलर डेथ ओवर बॉलर बॉलिंग में बॉल फेंकते हैं। तो ये इस तरह के प्लेयर को आपको अपनी टीम में रखना है अगर पिच बॉलिंग फ्रेंडली है तो। दोस्तों, ये तो हो गई बेसिक बातें। अब आपको मैं 6 ऐसा कॉम्बिनेशन दे रहा हूं ना, 6 कॉम्बिनेशन ऐसा दे रहा हूं जिसको अगर आप अपना टीम क्रिएट करने में अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आप विन करोगे। और गाइस, 5वां और 6ठा कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो फिर बाद में आके यहीं कमेंट करके जाओगे कि भाई आपका कॉम्बिनेशन नहीं चला ये वो। तो इस तरह पूरा वीडियो देखें, कंप्लीट समझे, उसके बाद अपनी टीम को क्रिएट करने में उसे अप्लाई करें। दोस्तों, कोई एक्सपर्ट या यूट्यूबर अगर आपसे ये कहता है कि आज विराट कोहली डेफिनेटली चलेगा, आपको उसकी बात बिल्कुल नहीं माननी है, आपको खुद से एनालिसिस करना है, क्योंकि जो एक्सपर्ट या यूट्यूबर ऊपर बैठा है ना, वो आपको उसका पास्ट रिकॉर्ड ही देख के वो बता रहा है, हेड टू हेड जो उसका रिकॉर्ड रहा है वही देख के आपको बता रहा है कि वो चलेगा या नहीं चलेगा, और उसी के बेसिस पे वो प्रिडिक्ट कर पा रहा है उसको। तो आपको क्या करना है, उसकी बात ऐसे ही नहीं मान लेनी है, क्योंकि जो आपको ये कहता है कि विराट कोहली आज चलेगा डेफिनेटली, तो एक्चुअली विराट कोहली को खुद नहीं पता होता है कि वो आज चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो आपको ब्लाइंडली सीधा बिलीव नहीं करना है कि विराट कोहली चलने वाला है, एनालिसिस करना है पहले। ग्रैंड लीग जीतने के लिए सबसे मायने रखता है गाइस टीम स्ट्रक्चर और टीम कॉम्बिनेशन। तो वही टीम कॉम्बिनेशन मैं आज आपको इसमें प्रोवाइड करने वाला हूं। गाइस, पहले कॉम्बिनेशन में हमें चाहिए कि अपनी टीम में 6 ऐसे प्लेयर को रखें जिसका सिलेक्शन परसेंटेज बिल्कुल हाई हो, यानी सिलेक्शन परसेंटेज उसका 90-80-99% हो। ऐसा 6 प्लेयर हमारे हमको अपनी टीम में रखना है कॉम्बिनेशन 1 में, और उसके बाद उसी कॉम्बिनेशन में आपको 3 ऐसे प्लेयर रखने हैं जिसका जो सिलेक्शन परसेंटेज हो वो 40-70% हो, और 2 ऐसे प्लेयर रखने जिसका सिलेक्शन परसेंटेज लेस देन 40% हो। तो आपको पहला कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बनाना है। गाइस, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसको जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि मैं वहीं पर आपको फ्री में टीम प्रोवाइड करता हूं। जहां लोग पेड में आपको टीम प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करता हूं। इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको बना के उसके बाद फाइनल टीम जो है वो मैं टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करता हूं, तो आप उसको जरूर जाके सब्सक्राइब कर ले, साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को भी ऑल पे सेट कर ले, ताकि आपको सबसे
पहले वीडियो आपके पास पहुंचा। और गाइस इस वीडियो का लाइक हम 1000 रखते हैं, और अगर इस वीडियो पे उतना लाइक पूरा होता है तो इस वीडियो का मैं पार्ट 2 भी बना के लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसको आप यूज करके डेफिनेटली 6 का 6 टीम आप विन करोगे। तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि वो जो लाइक है वो पूरा हो सके। गाइस दूसरे कॉम्बिनेशन में आपको 5 ऐसे प्लेयर लेने हैं जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 70-90% हो, 4 ऐसे प्लेयर लेने हैं जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 40-70% हो, और 2 ऐसे प्लेयर लेने हैं जिसका सिलेक्शन परसेंटेज बिलो 40% हो। तो आपको दूसरा कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बनाना है। गाइस तीसरे कॉम्बिनेशन में आपको इस तरीके से बनाना है। ये सुनने में थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन आपको इसी तरीके से आपको तीसरा कॉम्बिनेशन बनाना है। गाइस इस कॉम्बिनेशन में आपको 5 प्लेयर हाईली परसेंटेज वाला लेना है, यानी कि 70-90% वाला सिलेक्शन परसेंटेज जिसका हो, वैसे 5 प्लेयर आपको टीम में रखना है इस कॉम्बिनेशन में, और 3 प्लेयर आपको 40-70% वाला सिलेक्शन परसेंटेज वाला प्लेयर रखना है, और 3 प्लेयर गाइस लेस देन 40% वाला आपको रखना है। अब गाइस ये कहोगे कि लेस देन 40% वाला क्यों? आप इसका आप अपनी टीम में कॉम्बिनेशन बना के इस तरीके से आप अप्लाई करके देखो गाइस, आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सबसे कम सिलेक्शन परसेंटेज वाला प्लेयर जो कि चलेगा ही नहीं, आउट ऑफ फॉर्म हो सकता है, उस पे मैं रिस्क लेने क्यों जाऊं? तो आपको एक बार ये आप अप्लाई करके देखो, आज ही के मैच में आप अप्लाई करके देख लो, आपको बहुत ही ज्यादा इसका बेनिफिट होने वाला है। चौथा कॉम्बिनेशन गाइस आपको कुछ इसी तरीके से बनाना है। आपको 4 प्लेयर ऐसा लेना है जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 70-90% हो, 4 ऐसे प्लेयर लेने हैं जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 40-70% हो, और 3 ऐसे प्लेयर लेने हैं जिसका अगेन सिलेक्शन परसेंटेज लेस देन 40% हो। आपको इस तरीके से आपको चौथा कॉम्बिनेशन कुछ बनाना है। पांचवें कॉम्बिनेशन में जो प्लेयर आपको रखना है गाइस, वो 3 प्लेयर हाईली परसेंटेज वाला हो, यानी 3 प्लेयर 70-90% वाला होना चाहिए, और 5 प्लेयर 40-70% वाला होना चाहिए, और उसके बाद 2 प्लेयर आपको लेस देन 40% वाला रखना है आपको पांचवें कॉम्बिनेशन में। गाइस छठा कॉम्बिनेशन जो कि सबसे यूनिक और सबसे अलग कॉम्बिनेशन हो सकता है, और अगर ये कॉम्बिनेशन चल गया ना गाइस, आपको रैंक 1 से रैंक 2 पे भी कोई नहीं कर सकता है गाइस, अगर ये कॉम्बिनेशन चल गया तो। इसमें आपको जो प्लेयर रखना है, 4 प्लेयर 70-90% सिलेक्शन परसेंटेज वाला रखना है, 3 प्लेयर आपको रखना है 40-70% वाला, और 4 प्लेयर आपको ऐसे रखना है जिसका सिलेक्शन परसेंटेज बिलो 30% हो, 30% से कम वाला आपको 4 ऐसा प्लेयर इसमें रखना है। और ये जो कॉम्बिनेशन आप बनेगा ना आपका, और ये कॉम्बिनेशन कहीं चला ना गाइस, आपको नंबर 1 से मैं कहा ना नंबर 2 पे भी कोई नहीं कर सकता है, इस तरह का कॉम्बिनेशन आपका बने। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना गाइस, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे इस तरह की वीडियो इन फ्यूचर अगर आएगी तो आपको पता नहीं चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑल पे सेट कर दे, ताकि आपको इन फ्यूचर वीडियो जैसे ही आए तो वो पता चल जाए। साथ में टेलीग्राम को भी आप जाके ज्वाइन कर ले, फ्री टीम प्रोवाइड मैं वहां पे करता हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, पेड टीम नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं टीम वहां पे प्रोवाइड करता हूं। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं गाइस।